वेलकम टू सिन सीजनिंग, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। एंड आप लोग सोच रहे हो कि क्या हो गया है सिन सीजनिंग को, इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रहा है। आई एम रियली सॉरी यार, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी एंड थोड़े घर में भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो इसी कारण हम वीडियो आपके लिए हर महीना या फिर हर हफ्ता नहीं ला पाए। बट अभी से हम एक प्रण लेते हैं कि हम रेगुलर लेने की बहुत अच्छी सी कोशिश करेंगे। एंड आज हम बना रहे थे कुछ अमेजिंग सा रेसिपी, जो कि है पालक पनीर, जो अपने स्टाइल में एकदम इजी वे में हम बनाते हैं। तो हमने सोचा यार, इसको रिकॉर्ड करके आपके साथ भी क्यों ना शेयर किया जाए, क्योंकि ये बहुत इजीली बन जाता है एंड थोड़ा हटके बनता है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में पानी गरम उबाल होने रख दिया था और उसमें मैंने 3 टमाटर ऐसे चीर के हमने यहाँ पे डाल दिया है। इन टमाटर को कम से कम 5 से 6 मिनट हम बॉयल करेंगे, जब तक इसका स्किन जैसे दिख रहा है ना, जैसे पील ऑफ हो जाए, तब तक हम इसको अच्छे से बॉयल करेंगे। और यहाँ पे मेरा टमाटर हो गया, तो हम इसको ग्रेन करके प्यूरी बना लेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है 1 टीस्पून तेल। यूजुअली क्या करते हैं हम, पालक को यहाँ पे मैंने काट के धो के इसको इस तेल में ऐड कर दिया है। यूजुअली हम पालक पनीर बनाने के वक्त पालक को गर्म पानी में ब्लांच करते हैं, फिर उसको ठंडा पानी में ट्रांसफ़र करते हैं। ये इसीलिए करते हैं ताकि इसकी जो इम्प्योरिटी हो वो सारे निकल जाए एंड इसका जो भी कलर है इंटैक्ट रहे। बट ऐसा करने से और भी ईजी होगा। सो 2 से 3 मिनट लगेगा आपके पालक को एकदम अच्छे से भुनने में। यहाँ पे देख सकते हो पालक की क्वांटिटी एकदम भुन के कम हो चुकी है, तो इसको हमने एक ग्राइंडर में डाल लिया है। और इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी कैश्यू और थोड़े से खसखस, जिसे मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था। और यहाँ पे मैं डाल लूँ थोड़ा सा अदरक और 2 चिल्ली मैंने यूज़ किया, आप ज़्यादा कम कर सकते हो अपने हिसाब से। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता ऐड कर लिया। अब इसको हम प्यूरे बना लेते हैं। अब फिर से कढ़ाई हमने ले लिया है, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कम से कम 50 ग्राम के करीब बटर। आप बटर की जगह पे घी या फिर तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, कम्प्लीटली योर चॉइस है। और ग्राइंडिंग में भी जो हमने काजू और ये डाला था खसखस, वो आपकी चॉइस है, अगर आपके पास है तो आप डाल देना, वरना इट्स टोटली ओके। तो यहाँ पे हमारा जो बटर है वो गरम हो चुका है, तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून जीरा। और जीरा को हम हल्का सा भून लेंगे 30 सेकेंड तक। और जैसे ही हमारा जीरा छटपटाने लगता है, उस टाइम हमको ऐड कर देना है जो टमाटर हमने बॉयल करके प्यूरी बना के रखा था, उसको अब हमने इसमें ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद टमाटर को अच्छे से हमें मिक्स करना है बटर के साथ और इसको अच्छे से बॉयल करना है, क्योंकि टमाटर का जो रॉ स्मेल है वो चला जाए। तो जैसे ही आप देखोगे कि टमाटर में अच्छी सी उबाल आ रहा है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे नमक और रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ा सा पेपर पाउडर। ठीक है, इन सारे चीज़ों की क्वांटिटी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। तो इन सारे मसालों को डाल के हमें अच्छे से हमारे मसाले को भून लेना है, और जब तक हमारे जो बटर हमने डाला था वो ऊपर ऊपर ना आ जाए, उसका मतलब है कि हमारा मसाला जो है अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा बटर है वो साइड से निकल रहा है, तो विच मीन्स कि हमारा मसाला हो चुका है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने पालक का प्योरी बनाया था, तो उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हल्का सा पानी भी ऐड कर देंगे, जितना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से। अब इन सारे मसालों को एक साथ हमको अच्छे से मिक्स करना है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम आराम से पकने दे देंगे कम से कम 5 से 8 मिनट तक। तो जैसे ही आप अच्छे से यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा मसाला पक चुका है, जैसे ही इसमें थोड़ा उबाल आना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, इसमें हम पनीर जो है उसको क्यूब्स करके कट करके इसमें ऐड कर देंगे। पनीर को पहले आप फ्राई भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, बट मुझे ऐसा पनीर खाना पसंद है, क्योंकि इसमें सॉफ्टनेस जो पनीर का होता है वो बरकरार रहता है और खाने में भी बहुत क्रीमी लगता है। तो मुझे पनीर ऐसे ही मैं डायरेक्टली ऐड करती हूँ, मैं इसको फ्राई नहीं करती हूँ। और यहाँ पे उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा पनीर जो है उसको ग्रेट करके रखा था, मतलब कद्दूकस करके रखा था, तो इसको भी मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे। ये इसलिए मैंने किया था क्योंकि जब भी आप पनीर, पालक पनीर में पनीर ख़त्म कर देते बहुत लोग और पालक में पनीर ढूंढते रहते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है, आपको हर बाइट में पनीर का जो स्वाद है वो मिलेगा और खाने में एकदम ढाबा स्टाइल बनेगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा कद्दूकस करके इसमें डाल लिया है। अब इसको बस कम से कम
5 मिनट हम इसको बॉयल होने दे देंगे। अब 5 मिनट बाद आप देख सकते हो कितना अच्छे से हमारा जो पालक पनीर है वो बन चुका है। अब लास्टली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया है ऊपर से। आप क्रीम या दूध भी ऐड कर सकते हो, बटर भी ऐड कर सकते हो, सब आपकी मर्ज़ी है। इफ़ यू वॉन्ट टू ईट, यहाँ बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगा इसीलिए मैंने नहीं ऐड किया। एंड फाइनली हमारी जो पालक पनीर है वो एकदम बन के तैयार है। बस रोटी हो या फिर पूरी या चावल के साथ बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है एंड बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी अपने घर में इस वे में पालक पनीर ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा बना था। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।